इंदौर में रहने वाले एक बुजुर्ग की महाराष्ट्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों को घटना के बारे में मृतक के दामाद ने जानकारी दी थी। दामाद शव लेकर इंदौर पहुंचा तो यहां अंतिम संस्कार के पहले मृतक के गले पर निशान देखकर परिजन ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने MY में बुजुर्ग का पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं परिवार के लोगों ने दामाद और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। TI दिनेश वर्मा के मुताबिक चित्रानगर में रहने वाले कैलाश पुत्र दौलतराम महाजन का शव शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के लिए MY भेजा गया था। कैलाश के भतीजे दीपक महाजन ने बताया कि गुरुवार शाम को उनके पास कॉल आया था कि बड़े पापा कैलाश को अटैक आया है, जिसके बाद परिवार महाराष्ट्र के सिरपुर पहुंचा था। यहां से सबको लेकर सुबह 4 बजे परिवार इंदौर के लिए रवाना हुआ था। दोपहर में जब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी तो परिवार कैलाश के शव को स्नान कराने के लिए लेकर गया था। इस दौरान उसके गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। परिवार ने शंका होने पर खजराना पुलिस को जानकारी दे दी है। पुलिस के मुताबिक कैलाश ठेकेदारी का काम करते थे। उनकी एक ही बेटी सलील है, जिसकी महाराष्ट्र के सिरपुर में दीपक शिंदे से शादी हुई थी। भतीजे दीपक और परिवार के लोगों का आरोप है कि जमाई और उनके रिश्तेदार बाबूलाल माली ने रुपए के लालच में कैलाश को मौत के घाट उतारा है। प्राथमिक रिपोर्ट में गला घोटने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।